Day 15 of the restless protest against WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh, and with each passing day, support grows for them. Today, women leaders of Kap Panchayat marched towards the Jantar Mantar to extend their support and show solidarity. There is heavy police deployment at the protest venue and at borders. Meanwhile, the wrestlers are hoping that with growing support from all sides, their protest will not be in vain and justice will be done at the earliest. देखिए, सभी का धन्यवाद है जो हमारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, और आज पूरे देश में ये चीज़ चर्चा में है कि भाई अगर हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे घर में बैठ सकते हैं। आज ये बेटियां हैं, कल कोई और बेटी होगी, बहन होगी, तो ये सोचने का विषय पूरे देश के लिए। और मैं जो हमारे समर्थन में आ रहे हैं उनसे भी यही बोलूँगा कि शांतिपूर्वक हमें आना है, शांतिपूर्वक हमें धरना करना है, ना कि कोई उपद्रव करना है, क्योंकि ये देश की बेटियों की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है और देश की भी सम्मान की लड़ाई है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले जो हमारे समर्थक उनको परेशान ना करें, उनको शांतिपूर्वक आने दें। जांच क्या होती है? जांच का मतलब रहता है उसकी टॉयलेट करना, टालना और दूर लेकर जाना, उसको लोगों को गुस्सा ठंडा करने के लिए जांच का नाम दिया जाता है। जांच कोई जांच नहीं होती, जांच करने की क्या जरूरत है? क्या किसी चीज जांच कर रहे हैं? शरेआम ये लड़के बोल रहे हैं हमारे साथ ये धक्का किया है, और शरेआम ब्रजमोहन गुंडागर्दी कर रहा है, शरेआम बोल रहा है कि हमने एक कत्ल भी किया हुआ है। क्या वो ऐसे दोषी आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे सौंप दी? की शिकायत हज रीच टू जंतर मंतर। सर, आप यहाँ पर रेसलर्स के साथ जुड़ने के लिए पहुंचे, इतने दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? अभी नहीं कार्रवाई की जा रही, क्योंकि जो सरकार है अपने वालों के लिए लिबरल है, सत्ता पक्ष के लिए कानून दूसरा है, और अगर दूसरा कोई आदमी है तो उसके लिए कानून दूसरा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। सर, ब्रिज भूषण शरण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, एफआईआर करने में इतने टाइम लगा दिया, गिरफ्तार करने में कितना टाइम लगा हुआ ये देखो।